यूनिवर्सिटी का नाम? सर क्योंकि ये मगध में, सॉरी सर, मगध कुछ होगा ना वैसा जिसके नाम किसी के नाम पे रखा जाता है, मींस वो फेमस आदमी होता है। मगध यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण के नाम पे रखा गया, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। मगध क्या है? मगध कुछ होगा क्या? सर मगध एक प्लेस है। मगध प्लेस है? कोई प्लेस मगध नहीं, बताओ कहाँ जगह है मगध? तो कहीं नहीं मैंने देखा है। गूगल मैप में मगध मिल जाएगा। मगध मिलेगा कहीं पे? हिस्ट्री में जैसे पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर, से मगध है कहीं भी जगह? सॉरी, एक एरिया को बना करके उसको मगध बोला गया है, तो मगध क्यों बोला गया? केमिस्ट्री आपने सब्जेक्ट रखा है, तो होमोजेनियस रिएक्शन और हेट्रोजेनियस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? सर होमोजेनियस रिएक्शन, सर होमोजेनियस मिक्सचर पता है, रिएक्शन केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही होगा ना, मिक्सचर कहाँ होगा? सर जब दो पार्टिकल सेम होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, और जो दो पार्टिकल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। एग्जांपल देके हमको बताइए सर, जैसे होमोजेनियस रिएक्शन ये है, ये हेट्रोजेनियस ये है। सर वाटर व्हेन सॉल्युबल इन सुगर होमोजेनियस मिक्सचर होता है, रिएक्शन होता है। और कोई नया चीज प्रोडक्ट नहीं पैदा होगा हेट्रोजेनियस में? नहीं सर, हेट्रोजीनियस में हम कंपाउंड, जो भी हमारे जो पार्टिकल, जो भी सब्सटेंस होता है उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर में सैंड को मिक्स करें तो सर वाटर और सैंड मिक्स नहीं होता है, तो हेट्रोजीनियस होता है। अच्छा अच्छा, कौन सा ऐसा मतलब एसिड या मेटल है जो कि रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिव है पार्टिसिपेट करने में? कौन सा एसिड ऐसा है जिसमें किसी के साथ मिला दो वो रिएक्शन कर जाएगा फट से एकदम, जो है? सर एसिड जो ज़्यादा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन जो आयंस होते हैं उसको जो रिलीज करते हैं वो एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। सर उसका वो कंपाउंड याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, याद नहीं आ रहा है। ये जो एक मेंडेलीफ का था ये आवर्त चार्ट, और दूसरा जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडेलीफ का पीरियोडिक टेबल, दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, केमिस्ट्री तो ये आसान है, वहीं से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल से ही। पीरियोडिक टेबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सर जो दो एटम बॉन्ड शेयर करते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के पास जो होते हैं, वो दोनों बॉन्ड शेयर करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन जो करते हैं दोनों पार्टिसिपेट साथ में करते हैं, इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल्स में सर जैसे मीथेन का सर जो CH4 होता है तो वो बॉन्ड शेयर करते हैं, कार्बन और कार्बन भी बॉन्ड शेयर करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके जो हुआ वो, तो किस तरह का बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में बॉन्ड जो फॉर्म होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे कि NaCl तो उसमें Na होता है और Cl होता है, तो बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो उसे NaCl को ही कहते हैं। केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट बैंक में कैसे हेल्पफुल हुआ, बैंकिंग ऑपरेशन में? सर केमिस्ट्री तो डायरेक्ट हेल्पफुल नहीं है, इनडायरेक्टली सर जो भी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसमें सर जैसे हम रिएक्शन करते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें सर जो